और एक मैं स्पष्ट कुछ गल क्लीयर करना चाहता, इस करके खुदा के नबियों ने कोई छेड़े की कोशिश ना करे। खुदा के जड़े नबी है वह कित इधर उधर भी थोड़ा हो जाता, खुदा उन्होंने बख्श देता है, बाकियों को फड़ लैंदा है। वो खास इंपोर्टेंट बंदे आ खुदा के नबी, और हर वो खुदा का बच्चा जिन्हें अज खुदा का कलाम अपने दिल में रख्या होया, यकीन करो तुम सारे नबी हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं भुलेखे चो कड्डा लगा आ, बाइबल दे विच एक खुदा दे सेवक ने जिहड़ा अज दे टाइम च एक नबी आया धरती दे उत्ते, उन्हें कहा चंगी तरह कन खोल के सुन ला, वचन हमेशा नबी दे कोल आंदा आ। वचन कित्थे आंदा? पता की गल आ, यानी कि नबी तो इलावा वचन कितने होर जगह आके टिकता ही नहीं आ। जिथे नबी की सेवकाई होएगी वचन उत्थे आके ठहरेगा, क्योंकि नियम खुदा अपने नियम तो नहीं बदल सकता। वचन हमेशा नबी दे कोल आंदा आ, नबिया दे कोल आंदा आ। खुदा मूसा दे नाल करदा, खुदा मूसा नूं वचन दिंदा सी, मूसा अगे लोकां नूं दिंदा सी, खुदा एलिया नाल गल करदा सी, एलिया अगे पास करदा सी। खुदा नूह दे कोल आया, नूह ने अपने टब्बर नूं दस्या, लोकां नूं दस्या। हालेलुया, वचन हमेशा नबियां दे कोल आया। और अपने आप नूं छोटा ना समझो, असीं सारे खुदा दे नबी हैं, क्योंकि नबिया की यह रिस्पोंसिबिलिटी, नबिया को क्वालिटी आ, नबिया को गुण आ वचन नू अपने अंदर रखने का। यह नबिया को क्वालिटी किसी होर को नहीं है। आमीन। जिदे कोल वचन नहीं आ, जिनी मर्जी वड्डी सेवकाई हो गए, जिदे मर्जी वड्डी हो गए, नबी नहीं हो खुदा का, वो खुदा का नबी नहीं। जिन्हें मर्जी पोस्टर लग जाए प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, नो नो नो, वचन हमेशा नबी दे कोल आएगा। आमीन। एक क्वालिटी है। हालेलुया, हालेलुया। तुसी देखो कि इब्राहिम ने झूठ बोलिया, जे तुहानू पता दाऊद एक बारी कोठे ते चढ़िया सी, उहने उरिया दी घरवाली नूं देखिया और अपने मन च उहने पाप लैके आंदा है, और वह भी रोंग सी, गलत सी। ओके, फिर तुसी किन्ने ही देखोगे पुराने नियम दे विच नबियां कोल गुनाह होए। फिर तुसी मूसा नूं कहोगे, मूसा नूं देखोगे कि उहनूं एक जगह चट्टान से डंडा मारना सी, और उन्होंने खुदा ने एक बार कहा से, उन्हें दो तीन बारी मारिया, और खुदा ने उन्होंने उत्ते कहा कि तू गलत काम किया मूसा। लेकिन जो तो असं नवे नियम च जाइए, मेमने के जीवन की पुस्तक, असं जीवन की पुस्तक चो निकल के मेमने के जीवन की पुस्तक च आ गए। पौलुस ने फिर जिक्र किया इब्राहिम को, उन्हें इब्राहिम का जिक्र किया, मूसा का जिक्र किया, होर सारे नबिया का जिक्र किया, नबिया का जिक्र किया, लेकिन पौलुस ने उन्होंने पाप में छेड़िया नहीं। क्यों नहीं छेड़िया पौलुस ने? क्योंकि उन्हें पता कि कुर्बानी हो चुकी है, यीशु मसीह ने लहू बहाता है, हुन इन्होंने पाप धुल चुके आ। हुन बाइबल च लिखा कि खुदा साढ़े गुनाह इदा के समुद्र च ना, गहरे समुद्र च। और मैं ब्रदर आशीष दी कई मीटिंग अटेंड की, कहता कि खुदा ने साडे पाप यानी कि इदा के भुला चु, हाँ जी, भी खुदा खुद भी लभेगा, उन्हें मिलने नहीं, इदा साडे गुनाह धुल चुके हुए, फिनिश हो चुके हुए। उसने कहा, भाई ब्रानम तुहानू शर्म आनी चाहती है। हाँ जी, असल च साडे नबी ने सत चंद्रमा बनाए, एक दो तीन चार पांच छे सत, ठीक है ना। नबी ने ए भाई जी मैं समझ गए, तुसी ध्यान नाल कान खोल के सुनियो, किसे बंदे ने साडे नबी नूं कहा तेनूं शर्म आनी चाहीदी है, सवाल कीता उस अन्ने नंगे मंदभागे नूं, ए नहीं पता किनूं कह रहा है, अपना तेनूं पता नहीं है भी तू कि हवा दे विच रहना है ते कि दुनिया च रहना है, तो तू नबी नू चैलेंज कर रहा है।
तू नबी नू चैलेंज कर रहा और नबी नू कह रहा कहता तेनू भाई ब्रानम तेन शर्म आनी चाहिए है। और नबी ने की ओनू जवाब पलट के दिता उदा का। देखो नबी ने बड़ी संजीदगी गल कही, उसकी गल का बुरा नहीं मनाया नबी ने, जिन्हें गल कही तेन शर्म आनी चाहिए है, उन्हें नहीं बुरा मनाया। नबी इतने की कह रहा, अच्छा उन्हें गल क्यों कही नबी नू कि तेन शर्म आनी चाहिए है। ज्यादा लोड भी नहीं भाई ने गल ही फिर कहता है बेड़े पट्ठा ही बैठा हुआ। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू भाई जी। वाकई को रेवलेशन भोरा भी नहीं सी। आमीन। जिन्हें रेवलेशन पाया से ओनू वो मूर्ख की कह रहा तेनू शर्म आनी चाहिए। बेवकूफ अकलमंद नू की कह रहा है शर्म आनी चाहिए। ओदी लानत उत्ते पै गई। नवीन नू कह रहा है तेनू शर्म आनी चाहिए। देखो कितनी बेकार। अगली आयत दे विच जवाब मिलूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर वो थोड़ा जहाँ आप पहले खोल दीजिए गल। साढ़े नबी ने की किया कहता मेरे भरा कहता गल तुझे ध्यान दसो ना, वो पता क्यों कह रहा तेन शर्म आनी चाहिए है। वो कहता अज का समा इन्नी एडवांस टैक्नोलॉजी का उच्चे उच्चे महल मीनार बन रहे हैं, वे वे ब्रिज बनाए जा रहे हैं, है इन्ना जबरदस्त और शानदार समा चल रहा है धरती के उपर। रोमोटिक कंट्रोल चल रही बसा चल रही कारा चल रही ट्रेन गड्डिया चल रही है और इना चमक दमक हॉलीवुड बॉलीवुड एंड टॉप से पहुंचा हुआ है सब चीज यानी कि इना शिखर से सब कुछ चल रहा है और धरती की इकनोमी लग्जरी कारा साढ़े घर सारे को कारा है और इस यानी कि कारा लैनिया कोई औखी गल नहीं है। वो कहता इन्ना जबरदस्त वधिया समय नू इसने सत गोले बनाए तो आखिरी गोले में जो चंद्रमा आया वो लाइट ही कहता है ही नहीं। देख के भी अन्ना अनडेट देख नहीं रहा देखने वाले देख जाता। वह पता की गल आ नबी ने जो इन्नी क लाइट दसी है ना समझी जान दिया जो काला दसिया ना नबी ने चान समझी जा रहा मूर्ख से नबी तेन शर्म आनी चाहिए तू कि गोले बनाते है कि जो अज का जरा सब तो हसीन टाइम चलता पाया है टेक्नोलॉजी वाला युग चल रहा है तू इनू कहना है कि ये जरा सब तो काला युग ए रोशनी है ही नहीं है। भाई जी मूर्ख नहीं महामूर्ख है। मूर्खों का प्रधान मूर्खों का अधिकारी है। और फिर बाइबल में लिखा नहीं है यीशु मसीह ने कहा अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों ही खड्डे में जाए है। उन्हें ये नहीं पता आज भी बेइज्जती उसकी हो रही है। जिहड़ा नबी दा इनकार करदा ओदा इही हाल है। इही हाल है भाई जी। खुदा बख्शेगा नहीं सच है। हालेलुया। खुदा नहीं बख्शेगा सच है। गॉड ब्लेस यू भाई जी। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਯਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਘਸਿਆ ਪੱਟਿਆ ਇਹ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਆਯਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਆਮੇਨ। ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਯਾਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਆਯਾਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
Thank you, Jesus. ਇਸ ਵਕਤ ਆਯਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਯਾਮ ਸੀ घूमता सी जरा साडे दरम्यान बढ़िया होया हालेलुया धन्यवाद तेरा शुक्र प्रभु दा साचा इस आयाम च रवांगे ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਸ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਢਾਂਗਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਬਦਾਮ ਦੇ ਢਾਂਗੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕੋਮਲਾ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਰਕ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੱਚਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਹਲੇ ਪੜ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਝਾੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਖਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੇੜੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ जवाब आप जो नबी ने दिता वह पढ़ते हैं उसने कहा भाई ब्रानम तुहानू शर्म आनी चाहिदी है अच्छा जी तुहानू शर्म आनी चाहिदी है हां जी ठीक है ए ता उजाले दा महान दिन है हां जी ए की है जी उजाले दा महान दिन है बकवास मेरे दा महान दिन है सब तो ज्यादा हनेरा गंदगी चर्चा दे विच कुड़ियां जीना पाके जा रही आ है और अपनी अखा च सुरमा लगा रही आ है अपनी अखा नु पॉलिश कर रही आ मुंह नु पॉलिश कर रही आ और कहंदा सब तो उजाले दा दिन बाल कट रही आ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਬਾਲ ਕਟਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਹੈ ਗੰਦ ਮੰਦ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੈਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ ਟਾਵਰ ਵਰਗੂ ਬਾਲ ਕੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲ ਕੜੇ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੋ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂੰਝ ਇਦਾਂ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਚਿੱਟੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਵਰਗੂ ਕਲਗੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਬਾਲ ਨੀ ਹਿਲਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ वाकई बहुत अकलमंद बंदा टक्कर गया सी भाई ब्रानम महान पिछले पासो महान हस्ती है कोई हां जी हां जी हां जी कहिंदा इह ते बड़ा उजाले दा दिन आ उजाला लभदा पिया गंद मंद विच है चलदा पिया आ बरसाती डड्डू रोज दिसंबर दे महीने घूमदे सी कहिंदा उजाले दा दिन ठीक है ना देखो है कि ए कोई कोई की सी ओ चल रहा अगे पढ़ो भाई जी की लिखिया हालेलुया ते नबी ने जवाब दिता मैं कहा हाँ जी मैं इस दी कल्पना करके वेखांगा कि एह गल कदों तै मैं कल्पना करके वेखांगा कि जड़ी तू गल कह रही तेरी गल च दम है कि नहीं है नबी कहंदा मैनू ते कुछ भी उजाले वाला हिसाब तब लगदा नहीं है मैं ते जिथे भी नबी कहंदा जिथे भी नजर घुमा रहा सब भ्रिष्ट होया पिया पाप दे नाल भरिया होया है ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ ਸੱਚ ਹੈ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਬਿਨਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਬਿਨਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੂਕਰਾ ਸੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਸੀ माया जोड़ी है अच्छा हाँ जी पढ़ो जी फूकरा सी हालेलुया हाँ जी
मैं कहा मैं इस दी कल्पना करके वेखांगा कि नबी ने कहा मैं इस दी कल्पना करके देखांगा मतलब मैं सोच विचार करांगा कि तेरी गल सच है कि नहीं है। पौलुस ने कहा एक कुत्ते लोग एक कुत्ते है सच है पौलुस कह रही है पढ़ना चाहते हैं पौलुस कहता है कुत्ते है लोग कहता जड़े मसीह कलवरी दे लेके जांदे आ वचन दा अनादर करदे इन्हां कोल आयाम कोई होर आ सच ये पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं आ ये टेढ़ी पीढ़ी है कुबी पीढ़ी कुबी पीढ़ी मुंडे झूठे हालेलुया हालेलुया गॉड ब्लेस यू प्रभु आशीष दे धन्यवाद और बस आयत पूरी करना कर अपने आप को पवित्र कर दे रही है जी नहीं नहीं भाई जी पढ़ना हले कच्चे रुकना हले पढ़ना आपा और प्रभु बरकत दे रहा सानू सारे आमीन जी आमीन जी बैठी हुई थी सच गॉड ब्लेस यू साडा सृष्टिकर्ता साडे विच आया हुआ है आमीन वो वार्तालाप कर रहा है साडे नाल सच हालेलुया ते अस हुण असी जद ओदे वार्तालाप करन दा टाइम आ ते असी ओनु छड़ देईए बिल्कुल असी ओदे छड़ांगे जदों ओ कहेगा जद तुसी अपने दिल विच शुद्ध हुंदे हो न्याय नहीं होगा मतलब ए आ मैं कल्पना करके देखदा आ भाई जिहड़ी तू गल कर रहा तेरी गल सच्ची आ मेरी गल सच्ची है खुदा केड़ी गल्लां दा न्याय करेगा तेरा न्याय करे या मेरा न्याय करे वो केड़ी चीज नूं सही ठहराएगा मैं कल्पना करके देखांगा अगे हाँ जी जदों तुसी अपने दिल विच शुद्ध हुंदे हो आत्मा तो नवा जन्म पाए हुए हुंदे हो आमेन आत्मा तो नवे जन्म पाए हुए हुंदे हो आमेन प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी क्यों ने भी गल्लां कर रहे हैं कहंदा मेरे भाई जवाब देने तो पहले पहले तो उन्हें फटकारिया कहन वाले नू भी पहले इन दस दो भी जगह केड़ी है अगे याद रखो यही एक अजिहा कलीसियाई युग है याद रखो यही एक अजिहा कलीसियाई युग है ए वाला हाँ जी जदों उन्हां सारिया ने मसीह नू उसदी अपनी कलीसिया तो बाहर कर दिता होया है हालेलुया हालेलुया मैं दरवाजे ते सतवें युग च ही हाँ जी इको चीज बोल के नबी ने बड़ी बड़ी बड़ा वड्डा जुत्ता मारिया शैतान दे मुंह ते सच है होर किसे साडे नबी नू ज्यादा लंबी चौड़िया दे नाल गल्लां करन दी लोड़ नहीं पई इहदे नाल भाई जी दर्द भरी एक मसीही दे लई दर्द भरी गल कदों हो सकती है जदों कि मसीह नूं चर्चा चो बाहर कढ़ दिता जाए और यीशु मसीह की कह रहे मैं दरवाजे ते खड़ा दरवाजा खोल ते मैं अंदर आके तेरे नाल की करा भोज करा संगति करा तेरे नाल तेनूं भरा पवित्र आत्मा दे नाल मैं अपनी गल्लां तेनूं दसा मैं अपना प्रचार तेनूं करा जिहड़ी मेरे को रोटी मैं तेनूं भी खवावा आमेन हालेलुया हालेलुया जड़ी मेरे को आशीषा मैं उसनु अपने बच्चियां दे विच वंड सका आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया सब तो भयानक समा जो कि छे युगा च नहीं सी सतवें युग दे विच भाई ब्राणम ने कहा और सतवां युग केड़ा युग है जी लो दिखिया सारे पता लो देखिया साडा युग सतवां युग साडा युग बेशक असीं ते बाय रेवलेशन असीं सतवें तो भी पार हो गए हाँ लेकिन असीं गल कर रहे हैं कि
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਡੇਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮ ਆਮੇਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੇ ਧੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੱਚੇ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਮੇ ਧੋਤੇ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮ ਕੀ ਆ? ਪੁਰਾਣੀ ਝੋਂਪੜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਨਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੱਤਵੇਂ ਯੁੱਗ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਵੇਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਏ ਸੱਤਵਾਂ ਯੁੱਗ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਯੁੱਗ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਵੇਂ ਯੁੱਗ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਜੀ ਸੱਤਵੇਂ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਵੇਂ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸੱਤਵੇਂ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਰਦ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਨੇ, ਕਲੀਸੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ, ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ, ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਆਵਾਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ 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 ਰਸਤਾ ਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭੋਜ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਠੋਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਮੁਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਤੋਹਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਆ ਇੱਕ, ਹੈਂ ਇਹ ਦੌੜ ਆ ਅਜੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ
इबनी खुदा है। आमें। आमें। गॉड ब्लेस यू। साडे विच एक इबनी खुदा है जो दया अते कृपा दे नाल भरिया होया है। आमें। एक बहिंदा होया चश्मा है, सच जीवन जल दा बहिंदा होया चश्मा है और वह वग रहा है। आमें। वो कहता कोई भी आवे अपने पाप धो ले। आमें। सच हालेलुया। फुल खुला सद्दा है, कोई भी आवे कोई इनकार नहीं। जेकर कोई अपने आप नू तौबा दी हालत लेके जाना चाहता है, अपने आप नू नवा करना चाहता है, अपने आप नू नरोया करना चाहता है, नावे ता बचाया जावे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी भाई अगे की लिखिया असी बहुत वड्डियां वड्डियां गल्लां दा अंगीकार करते हाँ पर कि असी असल विच उन्हां गल्लां नूं कबूल करते हाँ जिस दे बारे विच असी बोल रहे हाँ कि मसीह असल विच कलीसिया विच है ओह तां ज़्यादातर छोटे झुंड विच होवेगा। आमीन। हालेलुया। ऐ भूल जान नबी की कह रहा एक जरा ये समा चल रहा इस समय विच ज्यादातर खुदा उथे ही होगा वड्डे झुंड च ने। आमीन। हालेलुया। ज्यादा आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ा नहीं नबी की कह रहा ज्यादातर इस मसल पकड़ लो। आमीन आमीन। ज्यादा हालेलुया आमीन आमीन। हालेलुया। थोड़ा नहीं कि ज्यादा आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने नबी कह रहा ज्यादातर और छोटे झुंड झुंड जो होगा ज्यादातर। आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। प्रभु बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। पड़े प्रभु अपने पड़े जाते आशीष से बरकत। आमीन। प्रभु तुम सारे में बरकत दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। God bless you. Amen. 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 Hallelujah. Amen.